guys, how are you all? So I hope that you all are doing good and safe at home. And guys, मैं तो गर्मी से उबल रही हूँ सच में. It's super hot in Jaipur and literally इतनी गर्मी में चीन से 4 घंटे back to back shoot करना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मेरी. So come to the point. So in today's video, I'm going to share with you a Meesho haul video. And आज मैं share करने वाली हूँ Meesho के कुछ पाकिस्तानी सूट का collection. अच्छा, अभी मैंने video देखा था कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी सूट लोग पहनना चाह रहे हैं, काफ़ी डिमांड आ रही है, काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे भी आ रही थी पर्सनली. सो मैंने सोचा मुझे भी पर्सनली ना अच्छे लगते हैं जब मैं देखती हूँ पाकिस्तानी सूट में ना एक अलग ही अदब होता है. तो मुझे लगा मैं भी क्यों ना हॉल करती हूँ एंड मुझे चाहिए भी था खुद के लिए. सो मैंने सेवन एक सूट ना मेरा कैंसिल हो गया ऑर्डर. तो मेरे पास शायद 7 या फिर 6 पीसेस हैं जिसको मैं आपको दिखाने वाली हूँ. कुर्ता सेट बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं गाइस, ट्रस्ट मी. इससे पहले ना मेरे को मीशो का हॉल कभी भी कोई ऐसा पसंद नहीं आया जिसके अंदर एक भी कमी ना निकली हो. बाय द वे, आई एम हैविंग माई टी. अभी मैं शाम के 6 बजे शूट कर रही हूँ, 5:30 का टाइम हो रहा है. एंड मैं मॉर्निंग 11 AM से शूट कर रही हूँ. इतना ज़्यादा आज मैंने इतना ज़्यादा शूट किया है, बैक टू बैक मुझे वीडियोज़ करने पड़ रहे हैं एंड इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल है नए कपड़े ट्राई करना. ऑलरेडी नए कपड़े जो होते हैं वो कितने चुभते हैं. तो या तो चलो बिना देर के वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट. एंड मेरा फेस आप देख रहे हो काफ़ी डल हो गया है क्योंकि मैंने 11 बजे से ही मेकअप पहना हो. As I always mention in my video कि आपको साइड में ट्राई ऑन मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, साइज स्क्रीन पे मिल जाएगा, ब्रांड नेम मिल जाएगा एंड आप बाय कर सकते हैं. वैसे सारे सूट आप आंख बंद करके खरीद सकते हो, सबकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग आई है. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इन द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट हॉल वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये वाला सूट जो कि फिलहाल में मैंने वेयर कर रखा है. इट्स सच अ प्रिटी पीस गाइस. इसके अंदर शुरुआत करें तो यहाँ पे आपको इस टाइप से नेक मिल जाता है, वी टाइप का है एंड यहाँ पे आई थिंक इसको कॉरी शेल्स बोलते हैं जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे हैं एंड 3 बार लगे हुए हैं इस तरीके से सीक्वेंस में. बहुत सुंदर है एंड सारे सूट में मैंने जब ट्राई ऑन किया सो सबसे लास्ट में जब मैंने ये वाला सूट डाला सो आई फील सो कम्फर्टेबल इन दिस आउटफिट. पर्टिकुलर इसमें सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रहा था, गर्मी नहीं लग रही थी. लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, पाकिस्तानी जो सूट्स होते हैं वो फिटिंग में काफ़ी लूज होते हैं, वो बिल्कुल फिटिंग वाले नहीं होते हैं. तो मैंने अपना ट्रू साइज बाई किया है एंड वो मुझे ऑलरेडी सारे लूज आए हैं. तो आपको बड़ा साइज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ट्रू साइज बाई करो, वो ऑलरेडी आपके थोड़ा बहुत लूज आएगा. इसकी जो स्लीव्स हैं वो इस तरीके से दे रखी हैं, मैं आपको ट्राई ऑन दिखा दूंगी सो उससे क्लियर हो जाएगा. बॉटम में आपको मिलता है एक प्लाजो पैंट काइंड ऑफ जो कि वाइड है थोड़ा सा, तो काफ़ी कंफर्टेबल है. इसका मटेरियल मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा, कॉटन है, आई थिंक प्योर कॉटन है ये, तभी इतना अच्छा लग रहा है. और काफ़ी लूज है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ट्रेंडिंग लग रहा है एंड फिटिंग अच्छी आप ट्राई ऑन में देख सकते हैं. तो मस्ट बाय है ये वाला, आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट आउटफिट विच इज दिस. अच्छा, सारे जो कलर्स हैं ना थोड़े से वाइट टोन में ही हैं, एक या दो आउटफिट जो है वो अलग कलर पे जा रहे हैं. तो पहला ये, तो सेकंड ये है हमारे पास. इसका आपको सूट का मिल जाता है राउंड नेक और यहाँ पे इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी का वर्क हो रखा है एंड यहाँ पे ये लेस भी दे रखी है जो कि पाकिस्तानी सूट्स में सबसे ज़्यादा हमें दिखाई जाती है एंड काफ़ी सुंदर बना देती है ये सूट को. एंड इसकी स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स इसकी 3/4 मिल जाती है जिसमें यहाँ पे अगेन लेस वर्क दे रखा है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है. एंड इसका अगर ये नीचे वाला स्लीट साइड में देखें तो ये थोड़ा सा राउंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था. पहन के आप ट्रायल में देख ही सकते हैं, ये मुझे हल्का सा लूज आया था. और अगर इसके बॉटम की बात करें तो बॉटम में हल्का सा प्लेटेड टाइप का मिल जाता है जिसमें आपको यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है एंड ये इसमें कोई भी अलग से कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है, सिंपल आउटफिट है, कोई दुपट्टा वगैरह नहीं है इसके साथ एंड कपड़े की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. सूट तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा है लेकिन द ओनली ड्रॉबैक इज कि इसका मटेरियल हल्का सा मुझे सीथ्रू लगा जिसकी वजह से आपको अच्छी क्वालिटी का इनरवेयर पहनना होगा या फिर कैमिसोल डालना होगा जिसके बाद आपका आउटफिट अच्छा लगेगा, अदरवाइज वो सीथ्रू होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा. काफ़ी अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज दिस इन वाइट कलर एंड ये मेरा इस हॉल में सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट आउटफिट जो है, सूट जो है वो यही होने वाला है.
तो ये है हमारा सूट। इसको हाथ में लेते ही ना एकदम महंगी वाली वाइब आ रही है, मतलब लग नहीं रहा ये मीशो का प्रोडक्ट है। ट्रस्ट मी, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, इसकी जितनी तारीफें की जाए उतनी कम ही रहेंगी। शुरुआत करते हैं इसके इस तरीके के नेक डिज़ाइन के साथ, जो कि आपको कॉलर यहाँ पे मिलता है, एंड यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे जाता है तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, जो कि आई थिंक मुझे मशीन वर्क लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फाइन वर्क है, एंड छोटे छोटे से यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वर्क दे रखा है, इस तरीके से ये है। एंड अगर इसकी स्लीव्स की बात की जाए तो स्लीव्स पे थोड़ा सा ये वर्क दे रखा है, जिसको आई थिंक थ्रेड वर्क या चिकनकारी वर्क बोलते हैं, आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको नज़दीक से दिखा दिया, इसके स्लीव्स जो है वो 3/4 आपको मिल जाती हैं। एंड पूरा सूट में इस तरीके से इसका जो कपड़ा है ना, वो इस पर थोड़ा सा वर्क टाइप का दे रखा है, आप देख सकते हो यहाँ से पास में, कपड़े की कपड़ा ही इस तरीके का है, थोड़ा सा डिज़ाइन टाइप में। और बैक साइड से देखें तो ये बिल्कुल प्लेन है, एंड फ्रंट में जब आप इसको थोड़ा सा ऊपर से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्लीट्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। एंड इसके सूट के बॉटम में भी इस तरीके का थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन टाइप का दे रखा है, जो कि सूट को बहुत ज़्यादा ही सुंदर बना रहा है। तो सूट के अपर पार्ट के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करते हैं बॉटम्स के बारे में। तो बॉटम में आपको इसके साथ मिलती है एक पैंट, इलास्टिक वाला यहाँ से पैंट आपको मिल जाता है, एंड इसके बॉटम में जाते जाते बहुत सुंदर वर्क दे रखा है इस तरीके से। अच्छा, ये आपके हल्का सा ऊपर आने वाला है, इसका पैटर्न कुछ इस टाइप का है, जो पैंट्स थोड़ी सी शॉर्ट होती है ना, देख सकते हैं इस तरीके से इसके बॉटम वेयर में भी यहाँ पे वर्क करके दे रखा है। ऑल इन ऑल मैं इस आउटफिट को गाइस रेट करूंगी 10 में से 10, इसके एक भी मार्क्स नहीं करते हैं। इसकी फिटिंग, इसका फैब्रिक कॉटन, इसका प्योर फैब्रिक दे रखा है, और हाथ में लेने के बाद ना एक अलग ही लग्जरी वाइब आ रही है, लग ही नहीं रहा ये मीशो से खरीदा है, किसी ब्रांडेड सूट से कम नहीं लग रहा है ये। और तो और इसके साथ एक दुपट्टा भी हमें मिल जाता है, जो कि दुपट्टे की जो विड्थ है वो तो ज़्यादा नहीं है, इतनी विड्थ का आपको दुपट्टा मिलता है, लेंथ काफ़ी अच्छी है लेकिन विड्थ इसकी केवल इतनी ही है। और इस तरीके से यहाँ पे वर्क दे रखा है, और इसके नीचे जाते जाते इस तरीके से टैसल दे रखे हैं कलरफुल, जो कि इसको सुंदर बना रहे हैं। तो ये है सारा सूट, ये मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूँगी, आप लोग एक बार ज़रूर मंगा के देखिए, आप डिसअपॉइंट नहीं हो सकते, ये मैं गारंटी लेती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी भी दो तरीके की होती है, अगर आपने पता हो आपको तो, एक होती है जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी जिसकी डाउन होती है वो होती है एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन एक होती है अच्छी क्वालिटी की एम्ब्रॉयडरी। तो ये वाला जो मैंने आपको सूट दिखाया ना, ये ऑफ वाइट कलर का, इसके अंदर बहुत ही फाइन क्वालिटी की, आप देख सकते हो मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इसके अंदर थ्रेड का और एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया हुआ है। सो नेक्स्ट इज दिस, अगेन ये वाइट कलर में है, इसका जो नेकलाइन है वो भी इस तरीके से आपको राउंड में ही मिल जाता है। बाय द वे, मैंने सारे सूट अपने साइज एम में ऑर्डर करे हैं, एंड मुझे काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है, और यहाँ पे भी इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे थ्रेड वर्क दे रखा है, और यहाँ पे फेक मिरर का भी थोड़ा थोड़ा वर्क दे रखा है, और इसकी स्लीव्स आपको मिल जाती हैं 3/4 से थोड़ी सी ज़्यादा, यहाँ पे भी लेस दे रखी है, और इस तरीके से ये पूरा साइड में स्लिट वाला आपको सूट मिल जाता है। और कुछ इसमें ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, काफ़ी अच्छा है कपड़ा, बहुत अच्छा है, चीप नहीं लग रहा है। और इसके बॉटम वेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक पैंट टाइप का, यहाँ पे बॉटम है जिसमें बॉटम्स में इस तरीके से लेस डिज़ाइन वर्क दे रखा है। तो ये सिंपल सोवर काफ़ी अच्छा सूट है, आप कभी जब भी पहनना चाहते हैं, कहीं थोड़ा बहुत मार्केट जाना है तो किसी फैमिली गेट टुगेदर में या फिर किसी फेस्टिवल में पहनना चाह रहे हो तो आप पहन सकते हो, वैसे हमारे में वाइट नहीं पहनने देते हैं, बट या काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ एक दुपट्टा भी मिलता है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट जिसका मटेरियल है, और इस तरीके से दुपट्टे में भी ये वाला वर्क दे रखा है। ठीक है, ये हो गई इसके सूट की बात। तो आप लोग सोच रहे होंगे सारा आउटफिट ही इसने तो वाइट मंगा लिए, भाई हम तो वाइट पहनने वाले नहीं हैं। तो वेट, ऐसा नहीं है, मैंने एक आध कलरफुल भी मंगाए हैं, एक तो ये वाला जैसे हो गया, एक और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो कि है ब्लू कलर में। इसके अगर यहाँ से नेकलाइन से ही बात करें तो इस तरीके से जो शर्ट नेकलाइन होती है ना, शर्ट कॉलर जो होती है, उस तरीके से यहाँ पर आपको कॉलर मिलती है, एंड इस तरीके से यहाँ पर हल्का सा कट दे रखा है कॉलर के बाद, एंड आप चाहे तो इसको ऐसे करके भी पहन सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे
कोटा पट्टी का और कुछ इस तरीके से होते हैं इसका बर्थडे का है। आई रियली डोंट नो किसको कैसे क्या बोलेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आई लिटरली डोंट नो, आप देख सकते हैं। बट ये बहुत सुंदर लग रहा है और इसकी स्लीव्स आपको इतनी मिल जाती है। स्लीव्स पे भी थोड़ा सा यहाँ पे जो गोटा पट्टी है, पतला वाला गोटा पट्टी लगा हुआ है एंड काफ़ी अच्छा है, प्रिंटेड प्रिंट में है, कॉटन इसका मटेरियल है और इस तरीके से प्लेन ये सूट मिलता है। थोड़ा जो वर्क है वो यहाँ पे है, आप ट्रायल में देखिएगा, बहुत सुंदर लग रहा है, काफ़ी एलिगेंट लुक दे रहा है ये वेयर करके। और इसके अगर बॉटम वेयर की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से इलास्टिक में और लाइनिंग पैटर्न में ये मिलता है, बॉटम्स में जाते जाते ये इस तरीके का हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम वर्क दे रखा है जो कि आपको ऊपर के कुर्ते में दे रखा था नेक पे, वो ही यहाँ पे दे रखा है। और ये सिक्के टाइप के यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि पता नहीं आप किस चीज़ के बने हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी स्टिफ, ऐसा नहीं है ये मोड़ने से मुड़ रहे हैं, काफ़ी स्टिफ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो ये हो गया इसका बॉटम वेयर एंड ये सूट भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है चीप पकड़ा दिया है। तो ये भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हमारे बढ़ते हैं हम इस हॉल के लास्ट आउटफिट की तरफ जो कि अगेन वाइट कलर में है। वन मिनट में इसको सीधा कर लेती हूँ। इस हॉल का मैं आपको लास्ट सूट सेट दिखाने वाली हूँ जो कि है वाइट कलर में। अच्छा, ये मुझे देखने में ज़्यादा सुंदर लग रहा था एंड मैं थोड़ा मतलब डाइसी फील कर रही हूँ कि ये अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर या नहीं लग रहा, तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। तो इसका भी ये शर्ट वाले टाइप का कॉलर मिल जाता है एंड यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बहुत अच्छी क्वालिटी की लेस लगा रखी है जो कि काफ़ी सुंदर बना रही है, इसको काफ़ी यूनिक बना रही है। एंड नेकलाइन के बाद जब आप इस सूट पे नीचे की तरफ जाते हो तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक पैटर्न बना हुआ है जो कि है एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ, काफ़ी अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी करके दे रखी है, कुछ पैटर्न है, आप ट्राई ऑन में देखेंगे तो आपको पूरा दिख जाएगा। एंड इसकी जो स्लीव्स है ना वो मुझे थोड़ी कम पसंद आई, आई एक्सपेक्ट कि 3/4 स्लीव होनी चाहिए, लेकिन इसकी फुल स्लीव्स मिल जाती हैं एंड यहाँ पे भी ये लेस वर्क करके दे रखा है। एंड इसके बॉटम में जाते हैं तो ये इसकी ना लेंथ बहुत ज़्यादा है, आप देखोगे ये बिल्कुल काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी एंड बिल्कुल पैरों तक ही। कुर्ते में जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो स्लिट है वो दोनों साइड इस तरीके से दे रखा है, लेकिन इसके जो नीचे है ना वो राउंड टाइप में है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, काफ़ी सुंदर लग रहा था ये, काफ़ी पसंद आया मुझे, लेकिन यही है मुझे इसकी स्लीव्स थोड़ी सी कम चाहिए थी। और इसके बॉटम वेयर की बात करें तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाता है एंड बॉटम वेयर बिल्कुल प्लेन है, नीचे जाते जाते आपको ये पैटर्न दे रखा है जो कि लेस का ही वर्क है। तो ये है आउटफिट, ये वैसे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप बताना मुझे कैसा लग रहा है, मेरे ऊपर सुंदर लग रहा है या फिर नहीं। वैसे मुझे अच्छा लग रहा है बट थोड़ी सी मैं सोच रही थी स्लीव्स थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इज हॉल। आज मैंने बहुत जल्दी बोला है क्योंकि काफ़ी रात हो गई है एंड अभी आप देखोगे कि सनलाइट बिल्कुल जा रही है तो मेरी वीडियो क्वालिटी भी कम हो रही है। सो ये था आज का हॉल वीडियो, ये मैंने 6 सूट सेट आपको दिखाए, काफ़ी अच्छे सारे के सारे सूट आए हैं, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी जो कि आप ट्राई करें तो वो ये वाला है एंड ये वाला फर्स्ट नंबर पे जो आपको दिखाया था, सेकंड पे आई थिंक एंड ये वाला, ये तीन तो आप आंख बंद करके खरीद सकते हो, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। एंड ऑल्सो गाइज ऑल्सो शॉर्ट्स देख लेना, मेरे शॉर्ट्स पे व्यूज काफ़ी कम हो गए तो प्लीज़ शॉर्ट्स भी देख लेना और शेयर कर देना वीडियो को। एंड ऑल्सो अगर पार्ट 2 इसका देखना चाहते हो पाकिस्तानी सूट्स का तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।